Hello everyone, welcome or welcome back to our channel Let's DIY with Ketki. आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक स्मॉल स्पेस एरिया मेकओवर करके शेयर करने वाली हूँ. तो ये काफ़ी इजी, फन एंड ऑब्वियसली बजट फ्रेंडली होने वाला है. तो पहले शुरू करने से पहले अगर आप में से कोई नए हो मेरे चैनल पे तो वीडियो देख के ज़रूर लाइक कीजिए पसंद आए तो, एंड साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए. तो ये है हमारी विंडो बे एरिया जो कि पहले एक प्लांटर था जो बिल्डर ने दिया था एंड इट वाज अटैच्ड टू आवर मास्टर बेडरूम. बट वहाँ कबूतर की बहुत परेशानी हो रही थी तो इसीलिए हमने वो निकाल के यहाँ पे ऐसा एक सीटिंग अरेंजमेंट तैयार कर दिया. एंड ये हमने डेकोरेट नहीं किया था क्योंकि मुझे काफ़ी सारे आइडियाज़ थे, कुछ ना कुछ करना था, बट बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट में नहीं कर पा रही थी. तो चलिए इसे पहले तैयार करते हैं इस एरिया को. तो यहाँ पे है मेरी बेटी मृदुला. आप लोगों में से काफ़ी लोग इसे पहचानते हो. थैंक यू फॉर शोइंग सो मच ऑफ लव फॉर हर एज़ वेल. सो यहाँ मृदुला बता रही है हमने वेस्ट प्लास्टिक बैग्स यूज़ करके हमने नीचे बिछा दिए. साथ ही में हम लोग एशियन पेंट्स रॉयल एंड एशियन पेंट्स ट्रैक्टर इमल्शन यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर लगा दी है मास्किंग टेप. तो अब हम हमारी जो वॉल्स है उन्हें पेंट करेंगे. तो पेंट करने के लिए यहाँ पे हमने रोलर ब्रश भी यूज़ किया था और जो रेगुलर ब्रश था वो भी यूज़ किया. तो मृदुला को भी काफ़ी मज़ा आया ये पेंट करने में. एंड इनफैक्ट मैं भी वॉल को पेंट करना पहली बार कर रही थी तो हमने इसे सूखने दिया और अच्छा खासा एक पूरा दिन लग गया था सूखने के लिए. एंड नेक्स्ट डे आफ्टरनून मैंने इस पर काम करना शुरू किया था. तो यहाँ पर हमने दो तीन अच्छे कोट दे दिए ताकि इट विल लुक लाइक वाइट एंड वाइब्रेंट. एंड वो ड्राई होने के बाद यहाँ मैंने पेंसिल के साथ एक आर्क ड्रॉ किया है. तो माय आइडिया इज़ फॉर दिस फर्स्ट DIY टू ड्रॉ अ ब्यूटीफुल फ्लावर लश्ड बोगनवेल प्लांट. तो इसके लिए मैंने पहले सैप ग्रीन कलर, फिर जो बेसिक ग्रीन कलर है वो यूज़ करके सिंपल स्पॉन्ज के साथ मैंने इसे डैप करना शुरू कर दिया. तो आप ये कर सकते हो, बहुत ही ईजी है. तो आपको सिर्फ एक पेंसिल से आर्क निकालना है एंड देन कलरिंग आपका हो जाएगा. तो यहाँ मुझे बहुत मज़ा आ रही थी क्योंकि कोई टेक्निक नहीं है यहाँ पेंटिंग का, सिंपल स्पॉन्ज के साथ हम इसे पेंट कर देंगे. तो देखिए ये हो गया हमारा 3D लुक बोगनवेला प्लांट रेडी. तो हमारा सेकेंड DIY है, इसके लिए ये मैं ड्रॉस्ट्रिंग्स ले रही हूँ, यानी कि सिंपल भाषा में नाड़ा, एंड जो हम सलवार में पैजामे में डालते हैं, और प्लास्टिक शीट है. और यहाँ पे हम अलग अलग शेप एंड साइज़ के जो है किचन के बर्तन लेंगे जिनका जो ये बैक साइड हम यूज़ करने वाले हैं. तो ये एक प्लास्टिक का बैग था जिसे मैंने ओपन कर दिया है एंड सेलो टेप की हेल्प से मैं इसे इस बर्तन पे, इस बड़ी सी कढ़ाई पे मैं चिपका रही हूँ. तो आपको ये अच्छे टाइटली इस पर फिक्स करना है. इसके बाद हम लेंगे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में फेविकॉल, आप कोई भी प्रकार का ग्लू ले सकते हो. एंड इसे अच्छे से इवनली स्प्रेड करने के बाद हमने यहाँ पे लिया है जो ड्रॉ स्ट्रिंग, इसे छोटा छोटा हम लोग रोल बनाएंगे. तो पहले रोल बनेगा नहीं आपसे, तो आप पहले से आपके फिंगर्स के साथ ही बना दीजिए. जैसे एक छोटा सा बेस तैयार हो जाता है तो आप इसे शुरू कर दीजिए डायरेक्टली अभी इस कढ़ाई या जो भी आपने लिया है वेसल उसके ऊपर चिपकाना. तो आपको ये काफ़ी धीरे करना है, आपको टाइट भी रखना है और साथ में इसे नीचे प्रेस करते जाना है ताकि ये जो हमारी रोप है, जो हमारा ये ड्रॉ स्ट्रिंग है, ये अच्छे से चिपक जाए इस प्लास्टिक की शीट के ऊपर. तो आपको जितनी बड़ी साइज़ की ये वॉल प्लेट चाहिए हो उस हिसाब से आप उतने टर्न्स ले सकते हो. तो इस तरह से आप इसका एंड जो है वो फेविकॉल के साथ यहाँ पे चिपका दीजिए. एंड साथ ही में इसको आपको ऑलमोस्ट एक दिन भर के लिए रखना है ड्राई होने के लिए, तो ये अच्छी तरह से सूख जाना चाहिए. इसी के बाद हम इसके ऊपर पेंटिंग करना शुरू कर देंगे. तो देखिए मैंने ये ऐसे अलग अलग साइज़ के प्लेट्स बना दिए, कुछ बड़ी कढ़ाई लेके, कुछ छोटी कढ़ाई लेके एंड कुछ बोल लेके. तो मेरे एक 5 ऐसे ही वॉल प्लेट्स जो है वो तैयार हो गई थी. तो इसे आपको धीरे से अच्छे से निकालना है. एंड ये जो प्लास्टिक है तो इस प्लास्टिक शीट को हम नहीं निकालने वाले बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू बी द सपोर्ट फॉर आवर रोप वॉल प्लेट्स. अब ये जब अच्छे से सूख गया है तो हम इसे इन्वर्ट कर देंगे. तो जो प्लास्टिक की शीट साइड थी वो बेस बन जाएगी नीचे एंड बाकी जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक है उसे हम सीजर के साथ कट कर देंगे.
एंड हियर कम्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ द पेंटिंग पार्ट. तो यहाँ मैंने बेसिक एक्रेलिक कलर्स यूज़ किए हैं. इसे मैंने डायरेक्टली अप्लाई किया है और मैंने पानी में डाइल्यूट नहीं किया है. मे बी आपकी रोप अगर थिन हो तो यहाँ पे कलर जो है वो स्प्रेड हो सकता है. तो ये जो पैटर्न्स है ये अफ्रीकन वॉल प्लेट्स इंस्पायर्ड पैटर्न्स है. तो यहाँ पे हम ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस ड्रॉ करेंगे एंड आप जो भी कलर कॉम्बिनेशन चाहो वैसा आप कर सकते हो. ये काफ़ी सुंदर ये वॉल प्लेट्स दिखती है. आप बना के ज़रूर देखिएगा. अगर आप चाहो तो गूगल भी कर सकते हो, आपको काफ़ी सारे पैटर्न्स और आइडियाज़ मिल जाएंगे. सो यू कैन सी मेरे वॉल प्लेट्स जो है वो काफ़ी ब्यूटीफुल हो गई है. वेरी सोबर कलर्स एंड वेरी अट्रैक्टिव पीसेस. अगेन एज आई ऑलवेज से, जस्ट लाइक द स्टोर बॉट वन. तो आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में. लेट्स जंप टू आवर नेक्स्ट DIY. तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ एक ब्यूटीफुल सा लैम्प शेड जो कि बहुत ही ईजी एंड कॉस्ट इफेक्टिव होने वाला है. तो ये जो बास्केट थी ये मैंने बाय किया था शायद 60 रुपीज़ में, और अभी मैं यहाँ पे वुल ले रही हूँ एंड हम इसका टैसल्स बनाने वाले. तो मैंने अराउंड 40 टाइम्स इसे रैप किया है ताकि मुझे काफ़ी थिक अच्छा सा एक टैसल बनाने को मिलेगा. एंड यस, तो काफ़ी सारे लोगों को आपको टैसल कैसे बनाते हैं ये ऑलरेडी पता है, बट जिनको अभी तक पता नहीं है तो वो शायद ये ट्यूटोरियल देख के उन्हें हेल्प मिल सकती है. तो इस तरह मैंने येल्लो, रेड, ब्लू एंड वाइट कलर के टैसल्स बना दिए काफ़ी सारे. एंड एज़ यूजुअल मैं और एक बात यहाँ शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं ये बास्केट लेने गई थी तो मैंने उनसे बिल्कुल भी बारगेन नहीं किया कि भैया ये आप 80 में क्यों दे रहे हो, ये 60 रुपए में क्यों दे रहे हो. बिकॉज़ कोरोना की वजह से इन लोगों का जो बिज़नेस था ये काफ़ी ठप हो गया था. तो अगर आप जब भी चाहे आप कुछ ख़रीदी करना चाहते हो तो ये लोकल वेंडर से बिल्कुल ख़रीदी कीजिए. एंड डू नॉट ओवर थिंक ऑफ स्पेंडिंग मनी विद देम, क्योंकि इनसे इनके इकोनॉमी में बहुत हेल्प हो जाएगी. एंड हम जो बाहर मॉल में इतना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, इनके लिए क्या 5 और 10 रुपये के लिए हम पीछे पड़े, राइट. तो हमारे टैसल्स भी रेडी हो गए हैं. तो अभी हम इन्हें बाहर से इस तरह से टाई कर देंगे. तो मैंने जैसे ये वाइट टैसल को टाई किया है उसी तरह बाकी सारे कलरफुल टैसल्स में यहाँ पे सराउंडिंग टाई करने वाली हूँ. तो जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे हम कट करके इसे फिनिशिंग टच दे देंगे. एंड ये बीच में जो होल बनाया है इसमें से हम हमारा बल्ब होल्डर को छोड़ देंगे तो बन जाएगा हमारा लैम्प. इसी के साथ हमारा लास्ट DIY फॉर द डे है. तो ये है एक विंडो शेप्ड मिरर, वेरी ब्यूटीफुल वन, जो मुझे मार्केट 99 से मिला था फॉर रुपीज़ लाइक 499 रुपीज़. एंड इसे मैं पेंट करने वाली हूँ एंड इसे मैं ब्लू कलर देने वाली हूँ, क्योंकि मुझे जो स्पेनिश हाउसेस है जो कि दीवार पूरी वाइट होती है और उनके ऊपर ब्लू विंडो होता है और ऊपर जो है बोगनवेल का झाड़, तो मुझे वो काफ़ी पसंद है. तो वो थीम को याद रख के मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे एक्रिलिक पेंट के साथ पेंट कर दूँ एंड मेरी भी एक खुद की ब्लू विंडो में तैयार कर दूँ. तो यहाँ पे मास्किंग टेप भी बीच में लगा दिया है मैंने ताकि जो मिरर पे इसका पेंट ना उतरे, और अगर उतर भी जाए बाय चांस तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिंपल क्लॉथ के साथ इसे वाइप कर सकते हो. तो ये बन जाता है हमारा ब्यूटीफुल सा ब्लू मिरर विंडो. And now for the exciting part, the makeover begins. Yeah, here is the support system, जो कि पहले ही टाइम के पहले पहुँच गई है and she was so interested in removing that masking tape. तो मृदुला ने काफ़ी अच्छे से ये masking tape को निकाल दिया है, देखिए just like that. And here she is helping me to place this beautiful blue window mirror. And यहाँ पर उसने काफ़ी अच्छे से इसे place भी कर दिया है, yes. एंड साथ ही मैं यहाँ पे मेरे पास थर्मोकॉल का पीस था जो कि वॉशिंग मशीन से बचा हुआ था, उसे मैंने सिंपली ब्राउन एक्रेलिक कलर से पेंट कर दिया एंड वी हैव पेस्टेड इट हियर विद द हेल्प ऑफ टू वे टेप. एंड हियर इज़ माय लिटिल क्यूटी डियर एंड दिस वाज हर डेकोर आइडिया कि मम्मा यहाँ पे मैचिंग के पिंक फ्लावर्स लगा देंगे. तो ये कम्प्लीटली कुकी का भी आइडिया है, येस इट्स योर आइडिया. या
तो नेक्स्ट अभी हम करते हैं वॉल मेकओवर इस दूसरी वॉल का। इसके लिए मैंने यूज़ किए हैं ये सारे हमारे वॉल डेकोर प्लेट्स। मैंने इसके पीछे 3M ब्रांड का 2-way टेप लगा दिया है एंड मैं डायरेक्टली इसे चिपका रही हूँ वॉल पे। अगर आप चाहे तो पीछे एक हुप बना के उसे कमांड हुक्स के साथ में या फिर एक सिंपल कीले के साथ में आप इसे हैंग कर सकते हो। तो ये तो बन गई है मेरी दूसरी वॉल, वेरी सिंपल, वेरी इजी एंड वेरी कॉस्ट इफ़ेक्टिव। आई थिंक ये सारा मुझे शायद सिर्फ 150 या 200 रुपये में बन गया। एंड नेक्स्ट थिंग था ये कर्टन्स, तो मैंने यहाँ पे जुगाड़ किया है। एक्चुअली मेरे पास फ़िलहाल मैचिंग कर्टन्स नहीं है, तो मैंने सोचा चलो ये पीच कलर और ग्रीन कलर दुपट्टे से ही मैं कर्टन बना देती हूँ। और लास्टली मैं ये भी यहाँ पे हमारा जो हैंगिंग लैम्प है इसे मैं फ़िक्स कर रही हूँ। तो ये काफ़ी ईजी था एंड लाइट लगाने के बाद देखिए ये कितना सुंदर दिख रहा है। एंड इसे मैंने थोड़ा सा घुमा के देखा तो देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है। और ये भी मुझे वूल के साथ अराउंड 200 रुपीज़ में आ गया। और फिर हमने बिछा दिया ये ग्रीन आर्टिफिशियल ग्रास मैट जो कि हमारे विश लिस्ट में था। ये 14x3 feet लॉन्ग मुझे मिला है 1680 रुपीज़ में, तो ये काफ़ी बजट में हो गया है। साथ में इसके ऊपर मैंने कुछ कुशन से डेकोरेट कर दिया, एक सीटिंग बना दी है यहाँ पे। नेक्स्ट हम कुछ हैंगिंग प्लांटर्स के साथ इस प्लेस को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ मैंने मनी प्लांट लगा दिया है और जो दूसरा प्लांट अभी मुझे उसका नाम याद नहीं है। सो ये अभी रेनी सीजन में काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है, बहुत सुंदर ग्रो करता है। एंड यहाँ फिर हमने हमारे जो बेबी स्पाइडर प्लांट्स थे जो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं उन्हें भी यहाँ पे हमने ग्रिल पे हैंग कर दिया है। सो लाइक हमने कोई भी कोना कोई भी स्पेस नहीं छोड़ा है। सो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती है, चलिए देखते हैं हमारा फाइनल रिवील। सो ये है लेफ्ट हैंड साइड वॉल और ये है अब जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद है। सो आफ्टर द मेकओवर लुक हाउ प्रिटी, हाउ क्यूट, हाउ ब्यूटीफुल, व्हाट इज़ द वर्ड आई शुड यूज़, कितना अच्छा दिख रहा है यार ये। एंड मेरे कर्टन्स भी इसे कम्प्लीटली मैच कर रहे हैं। एंड नाउ दिस कम्स द राइट हैंड साइड वाला वॉल एंड ओ माई गॉड, इजंट इट लुकिंग लाइक सम मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, आई एम जस्ट लविंग इट। एंड ये है एक कम्प्लीट लुक ऑफ आवर सिटिंग एरिया, द बिफोर पिक्चर एंड ये मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कितना डिफरेंट दिख रही है। एंड यार ये मैं एंड और काफ़ी ये वर्ड बहुत यूज़ करती हूँ, आप प्लीज़ अगर कोई काउंट कर रहा है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। सो जस्ट सी दिस एंड आई इंसिस्ट येस कि अगर आपको मेरे घर पे आना है तो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर होम। हम यहाँ इस कंफर्टेबल कोजी जगह पे बैठ के बहुत सारे चिट चैट भी करेंगे, बहुत खाएंगे पिएंगे। ये देखिए हमारा प्यारा सा क्यूट लिटिल बच्चा, द हैंगिंग लैम्प, दिस इज़ द इवनिंग व्यू गाइज एंड नाउ दिस इज़ द नाइट व्यू व्हेन आई हैव स्विच्ड ऑन द लाइटिंग्स। सो आई थिंक मैंने ज़्यादा जस्टिस नहीं किया है ये शूट करने में, आई थिंक आई कुडंट डू इट नाइसली, बट बिलीव मी ये एक्चुअल में बहुत ही प्यारा, बहुत ही रोमांटिक दिख रहा था। सो वी कैन हैव हियर आवर डिनर, वी कैन हैव सम चिट चैट हियर एंड द मेन जस्टिस व्हाट इट डिड इज हमारी बेटी मृदुला, उसके लिए एक हर ओन स्पेस क्रिएट हो गई है जहाँ पे वो खेल सकती है, उसके ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकती है, उसका होमवर्क कर सकती है, शी कैन रीड हियर एंड शी इज़ एन अवीड रीडर। एंड गाइज मैं जब तक शूट कर रही थी तो देखिए मेरा बच्चा यहाँ पे आराम से सो गया। तो दिस इज़ द जस्टिस व्हाट वी डिड टू दिस प्लेस। अगर आज के मेकओवर्स में से आपको कोई भी आइडियाज़ पसंद आए हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव गाइस, टेक केयर, बाय बाय।